Hello friends, my name is Dhage Rajendra and today I play a G minor chord. So how to play a G major, G minor chord? So ये बहुत ही difficult है आपको play करने के लिए. तो मैं आपको बताऊंगा कि how to play a G minor chord. So let's see. ये first, second, third fret में आपको एक finger से आपको first, second, third string press करके तो आप press करने के लिए ऐसा press करना पड़ेगा आपको क्योंकि तीन स्ट्रिंग आपको हैंडल करने का है. तो कैसे करने का, ये देखिए मैंने थ्री स्ट्रिंग मैंने एक ही फिंगर से प्रेस कर दिया और ये दो जो फिंगर है का ये आपको थर्ड और फोर्थ फिंगर आपको फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रिंग को प्रेस करके प्ले करना है. तो ये हो गया आपका जी माइनर कॉर्ड. ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को मतलब ये क्वाड छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत ही टफ है और ये जी 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 के आगे कोई टिक नहीं सकता. मैं आप पहले ही कहा था और जी को बहुत ही मतलब ये ट्रेन होना चाहिए जी को, मतलब ट्रेन होके ही आप यही कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं. पर आपको ये टिकने नहीं देगा, आपको कितनी भी कोशिश करो ये जी है, ये जी ही रहेगा और आपको किसी को नहीं टिकने देगा. तो ये मैंने बताया आपको जब ट्रेन होते हैं ना अभी आपका माइंड डाइवर्ट होगा, जब सबकॉन्शियस लेवल पे जाएगा तो आप ये प्ले कर सकते हैं. पर ये डिफिकल्ट होगा क्योंकि आगे आगे जब आगे जाएंगे ना आप तो आपको तो ये जी ये आपको टफ ही रहेगा और ये किसी को नहीं आगे टिकने देगा. ये है जी, इज नॉट अदर्स कॉर्ड्स. ये तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो लेट्स सी नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि ऑप्शन भी बहुत है जी को तो कैसे प्ले करने का तो ऑप्शन बहुत है. मैं आपको आगे कैसे क्रिएट करने का ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा और ये टिकने नहीं देगा आपको जी के आगे. ये हो गया आपका जी.